अस्सलाम वालेकुम जी, अपने चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ मेरे प्यारे बहन भाइयों। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। पहली दफ़ा जो चैनल पे आए हैं, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें और सात घंटे के निशान को दबा के आल नोटिफिकेशन पे सेट कर लें। वो बहन, वो भाई, वो बुज़ुर्ग, वो लोग जो जिन्नात से दोस्ती करना चाहते हैं, परियों से दोस्ती करना चाहते हैं, उनको पकड़ने के ख्वाहिशमंद हैं, हमजाद को काबू करना चाहते हैं, कहते हैं कि हमारे पास जिन हो, परी हो, हम उसको कहें वो ये काम कर देगा, वो काम कर देगा, आपके लिए दौलत ले आएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सारे एक बात गौर से सुन लें मेरे प्यारे बहन भाइयों। मुझे व्हाट्सएप पर एक ना रब्ता किया किसी सब्सक्राइबर ने, और मुझे पहले उसने यही बात कही कि मुझे ये अमल करना है, ये पकड़ा दें, वो कर दें। अब मैंने उसकी एज पूछी तो 19 साल एज थी। मेरे प्यारे बहन भाइयों, यहाँ पे बुज़ुर्ग भी सुन रहे होंगे, यहाँ पे जो है 20 साल से अबव या जो भी सुन रहे हैं बहन भाई हैं, कभी भी YouTube से जो अमल आपको दिया जाता है ना, इसको बग़ैर अपने पीर, बग़ैर अपने मुर्शद, बग़ैर अपने उस्ताद की इजाज़त के हरगिज़ मत करें। वजह क्या होती है, देखें ये इतना आसान काम होता इनसे दोस्ती करना। देखें वो भी जो है हमारी तरह जानदार हैं, उनके भी बच्चे होते हैं, उनकी भी ज़िंदगी होती है, क्या आप किसी की ग़ुलामी पसंद करेंगे? एक चूहा जो होता है, जब इसको किसी पिंजरे में बंद करें ना, वो भी भागने की कोशिश करता है, ठीक है। क्या आपको कोई पकड़ ले, जैसे आप अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, आपको कोई पकड़ ले, अपना ग़ुलाम बना ले, आप उसके कहने पर जायज़ नजायज़ सारे काम करें, तो आप मुझे ये बता दें कि आप कितनी कोशिश कर सकेंगे। जब भी आप कोई अमल जो है कहीं से पकड़ के करेंगे, तो वो जो चीज़ जिसको आप पकड़ना चाह रहे हैं, चाहे जितनी भी कमज़ोर है, वो अपनी जान छुड़ाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करेगी। और उस हरबे में कई ऐसे मिसालें पड़ी हैं, लोग जो है ज़्यादातर कई पागल हो चुके हैं, कोई अपना नुकसान करवा बैठे। तो आपको बेहतरीन मशवरा ये दूंगा कि ख़ास कर मैंने जो अमल अपनी मेरे चैनल पे, ज़्यादा अमल तो नहीं है, मैंने एक परी का अमल दिया हुआ है, लोग मुझसे बार बार इजाज़त का पूछते, मैंने उस पर मैंशन किया हुआ है, अपने पीर से इजाज़त लें, अपने बुज़ुर्ग से इजाज़त लें, जिसके आप जो है ना, जिसकी आपने शागिर्दगी इख्तियार की हो, उससे इजाज़त लें। देखिए मैं एक बंदा इजाज़त दे कि किसी को किस तरह, ये सारा मामला नहीं होता कि जो बंदा आपसे बात कर रहा है कि वो मिसाल के तौर पे आपकी निगरानी भी कर सके। एक वक्त में कितने बंदों की निगरानी वो कर सकता है? तो प्यारे बहन भाइयों, जिन लोगों के सर पे ये भूत सवार है, तो काइंडली अपने सर से उतार दें और ऐसे मामलात में ऐसी चीज़ों से दूर रहें। ये भी हमारी तरह जानदार चीज़ें होती हैं। हाँ, जो लोग इनसे दोस्ती के ख्वाहिशमंद हैं, आप शरीयत के पहलुओं को अच्छी तरह पकड़ लें, नमाज की पाबंदी करें, रोज़े रखें, दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाह तबारक व ताला के बताए अहकाम पर अमल करें, प्यारे आका हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करें, तो ये चीज़ें आपसे ख़ुद मोहब्बत करने लग जाएंगी, आपको कुछ चिल्ला कोई वजीफ़ा करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। और अगर किसी बंदे को ज़रूरत पेश आ जाती है चिल्ला या वजीफ़ा करने की, तो मैं उससे रिक्वेस्ट करूँगा, ख़ासकर वो लोग जिनकी एज जो होती है अभी 15 साल नहीं होती, 20 साल नहीं होती, 25 साल कम अज़ कम जो है ना, वो लोग उन पर यही एक धुन सवार होती, कोई चीज़ पकड़ लें वो हमारे काम करेगी, हमारे का यार इस तरह आसान ये मामला नहीं होता। और मैं आपको मना करूँगा, देखें जब भी कोई अमल करें, अपने जो मुर्शिद, अपने पीर से इजाज़त ले कर करें। मैं अमल यहाँ पे मेरे चैनल पे आप देखेंगे, सर्च कर लें, ज़्यादा ऐसे अमल आपको नहीं मिलेंगे। उसकी वजह क्या होती है कि लोग यहाँ पे यार देख, कोई मुझे नहीं पता कि कौन सी एज का बंदा देख रहा है, अब उसकी पकीज़गी कैसी है, अब वो करने वाला उसका मकसद क्या है। लोग कर लेते हैं, रज्जत का शिकार हो जाते हैं, बाद में अपने मामलात कामों को बिगाड़ के बैठ जाते हैं, फिर भागे फिरते हैं कि हमारा इसका हल निकालें। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करने आया था, यही आपको नसीहत करने आया था। आप सभी मेरे प्यारे सब्सक्राइबर हैं, सभी मेरे लिए बहुत ही मोहतरम हैं, बहुत ही प्यारे हैं, तो मेरी कोशिश होती कभी आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ना करूँ, ताकि आप लोग किसी भी किस्म के किसी मसला का शिकार ना बने। तो प्यारे बहन भाइयों, मेरी कोशिश पूरी होती है जो अमल ऐसा आपको दूं जो आसान हो। और दूसरी बात ये होती है, मैं आपको बार बार बताता रहूँगा, ख़ासकर ऐसे अमल जो इन चीज़ों से मुतल्लक होते हैं ना, वो आपको कोई जितना भी कहे कि एक दिन का अमल है, दो दिन का अमल है, तीन दिन अमल का, ये आ जाएगी चीज़, वो आ जाएगी, आपके ये काम करेगी, वो करेगी, यार आप उनको बुला तो लेंगे, फिर आपका उनसे जान छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। पिछले दिनों की बात है, किसी ने इस तरह अमल लेके किया, वो करता फिरा बेचारा, वो पागल हो गया। अब देखें जो यहाँ पे, जो मैं नहीं कह रहा, सभी यूट्यूबर बहुत अच्छे बात है, मैं उनको भी रिक्वेस्ट करूँगा, कोशिश करें वो अमल दें और उस अमल के साथ उसको मेंशन करें कि अपने पीर, बुज़ुर्ग या किसी साहिब इलम जो उसके नज़दीक बंदा है, उससे इजाज़त ले, ताकि वो उसकी निगरानी करें।
और दूसरी बात, कोशिश ये करें कि इन चीज़ों से आप दूर रहें। वजह क्या होती है, इन चीज़ों की ज़रूरत और जो होती है ना, ये किसी की ग़ुलामी बर्दाश्त नहीं करती, ये हमारे लिए मोहतरम चीज़ें, इनको भी हम अपना एक मोहतरम जानें, इनका भी आप ख्याल रखें, ये भी अल्लाह की मखलूक है। और कभी ज़हन में ये मत रखें कि इनको पकड़ना है, इनको कैद करना है। जब भी कोई मामला ऐसा हो, ज़हन में ये रखना चाहिए कि हम इनसे दोस्ती करना चाहते हैं। ख़ासकर वो बहन भाई जिनकी एज थोड़ी है, मैच्योर नहीं है, अपनी स्टडी पर ध्यान दें, इन चीज़ों के पीछे काइंडली मत बढ़ें, अपना टाइम वेस्ट मत करें। सबसे कीमती, सबसे जो कीमती चीज़ है, ज़िक्रुल्लाह है, अल्लाह तबारक व तआला का ज़्यादा ज़्यादा ज़िक्र करें। ज़िक्र की बरकत से ये चीज़ें नहीं, जितनी भी मखलूक है वो आपसे मोहब्बत करने लगेगी, आपका कहना मानने लगेगी। तो इस बात पे आएँ मज़ीद प्यारे बहन भाइयों, ये लोग मुझसे यहाँ पे कईयों ने रब्ता किया था, इस वजह से मैंने ज़रूरी समझा कि इस पर वीडियो बना के आपको दिखा दूँ, ताकि ज़्यादा में लंबा वीडियो हो जाएगी। अब इस पर काफ़ी ज़्यादा तो है, अगर बताना चाहूँ आपको चीज़ें इसमें होती हैं जिसको मैंशन करना लाजमी होता है। तो बहन भाई यहाँ पर रब्ता करते हैं, वो कहते हैं अमल करवा दें। हाँ, अगर आप में से कोई अमल करने का ख्वाहिशमंद है तो फिर वो मुकम्मल रब्ता करे, मुकम्मल निगरानी में करे, तो फिर ये मामला होता है। और ख़ास कर ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, बच्चों को जो अनमेच्योर हैं, यहाँ पे जो 15, 20 साल, 25 साल, 30 साल एज के हैं, उनको ये अमल नहीं करवाया जाता। अभी उनकी मेच्योरिटी, अभी वो इस चीज़ को समझ नहीं पाते, इनका परहेज़ ही नहीं पूरा कर पाते, तो वो कामयाब कैसे होंगे। तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि यार ये अमल मैं आप लोगों को रोक रहा हूँ कि ऐसा मत किया करें, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं आपको और बताता चलूं कि जब भी ये अमल जा कोई बंदा जो भी अमल या चीज़ को करता है, तो इसके ख़िलाफ़ उनका पूरा कबीला एक महाज के तौर पे आ जाता है। और ये अमल करने के लिए आपके अंदर रूहानी पावर बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी होता है। दुआ में याद रखिएगा, उम्मीद है आपको बातें समझ आ गई होंगी। समझ आ गई तो वीडियो को लाइक भी कर दें, नीचे प्यारा सा कमेंट कर दें। और माजरत चाहता हूँ, वीडियो बाज़ दफ़ा लेट अपलोड करता हूँ, गर्मी की वजह से अंदर बैठ के वीडियो बनाई नहीं जा सकती, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा। इसी के साथ अपने प्यारे मोहतरम बहन भाइयों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान।